हे देर गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी हेरा फिरोज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सो अ वेरी वॉन् वेलकम टू माय चैनल और आज मैं काफी दिन के बाद अनदर मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूं और आज का ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है ये होने वाला है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक और वेडिंग काइंड ऑफ मेकअप लुक और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को क्रिएट करने में मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ईजी और अफोर्ड मतलब ईजी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ वीडियो शेयर करूँ तो मैं हमेशा वही करती हूँ और आगे आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं मतलब मेरे वर्क को uh, सराहा रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरी यू नो वीडियोस को लाइक like करते रहिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करते रहिए ताकि और भी लोगों का प्यार मुझे मिले बिकॉज आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट सो या गाइज ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से आप लोगों को अपना लुक दिखाते हैं सो so, मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और आ, यही एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा सो इफ़ यू डेट सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट

मुझे भी कभी कभी ना मैं बहुत थोड़ी सी डम्ब हो जाती हूँ कि समझ नहीं आता है कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है जो जो मतलब जो भी चीज़ें मेकअप लुक मुझे लगता है कि चलिए आज ये क्रिएट कर लेते हैं तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और वही चीज़ें मैं कटती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रहा है तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं तो चलिए आगे आप लोग वीडियो में मिलिए और सारे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके बताती रहूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं जब वीडियोस क्रिएट करती हूँ तो वो कोई रो रहा होता है तो कोई मम्मा बोल रहा होता है किसी को कुछ भी देखना होता है तो इट्स नॉट पॉसिबल मी टू डू चिट चैट काइंड ऑफ मेकअप टूटोरियल्स विद यू और तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है और मतलब किसी भी uh, मतलब आर्टिस्ट के लिए ये चीजें बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होती हैं अगर आप लोग एक हाउसवाइफ वाइफ है अगर आपके साथ हस्बैंड है किड्स हैं तो वो चीज़ें मतलब बहुत मेहनत लगती है चीजों को बेयर करने में तो आई होप कि आप लोग मेरी मजबूरियों को समझेंगे और मैं मतलब बिल्कुल भी अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ तो मैं उनके उनको भी देखती जाती हूँ और अपनी चीज़ों को क्रिएट भी करती जाती चीज़ें हैं तो बीच बीच में उन लोगों को मुझे फीड भी कराना होता है बड़े वाले को फीडर देना होता है एंड छोटे वाले को मैं फीड कराती हूँ तो उसको फीड कराना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिनको साथ में लेकर चलना पड़ता है स्पेशली किड्स तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम्स को और इनशाला अगर कभी चीज़ें मतलब इनशा अभी तो अशर थोड़ा सा एट नाइन मंथ्स के हो गए हैं तो थोड़ा सा वो कोप अप करने लग जाए ना थोड़ी सा यू you नो know, बताने लग जाए चीज़ों को समझने लग जाए तो फिर मैं कर सकती हूँ बट अभी तो थोड़ा सा बहुत इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए बट फिर भी फिर भी आई वॉन्ट टू प्रूफ माई सेल्फ आई वॉन्ट टू प्रूफ माई सेल्फ तो बस यही है कि मुझे जो आता है जैसे आता है मैं बस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई अ टोनर ऑन माई फेस और दिस इज रोज वाटर गुलाबेरी का है ये और अब मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ अपने फेस को मैं पहले टोनर अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और दीज डेज मेरा ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा फेवरेट है करेंट फेवरेट है और आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इसको चेंज करूँगी बट विंटर्स में तो मैं हमेशा इसी को ही यूज़ करने वाली हूँ और अब मैं ये अपनी आईज़ को क्योंकि मैंने सोचा था ना सबसे पहले आई मेकअप कर लेते हैं क्योंकि जो मैं आज मेकअप लुक कर रही हूँ मतलब तो वो वेडिंग मेकअप लुक है तो उसके लिए थोड़ा फॉल आउट भी होगा आई थिंक तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बेस के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी ना तो मैंने पहले एल गर्ल का एच डी कंसीलर लेके अपने लेट को कंसील कर लिया उसके बाद ये मेबलिन फिटमी का लूज़ पाउडर लेके मैंने अपने आईलेट्स को अच्छे से यू you नो know, सेट कर लिया अब ये मेरे पास एक किसी पेज से मेरे पास ये आया था और जब मैंने अपने आई शेडो पैलेट्स ऑर्डर किए थे तो ये मतलब मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला था तो मैंने इसको मतलब यूज़ ही नहीं किया बट अभी मुझे उसका याद भी नहीं है लिंक भी मुझे कुछ कि किस पेज से मैंने वो ऑर्डर किया था तो सब मैंने सोचा आज चलो इसी को यूज़ करती हूँ और देखती हूँ कि क्या इसका यू नो इफेक्ट आता है तो पहले सबसे पहले मैंने आ, गोल्डन शेड अपनी ब्राउबोन पे लगाया उसके बाद मैंने ये ट्रांजिशन शेड लेकर एंगल ब्रश की हेल्प से ये अपनी क्रीज को डिफाइन किया तो हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके वैसे फिंगर्स से इसको लेने पे ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा था बट इसने ब्रश में उतना प्रोडक्ट नहीं उठाया पता नहीं क्यों तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मैं अपनी क्रीज़ को बना रही हूँ बिल्ड कर रही हूँ तो हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके करें और कोशिश करें कि कलर्स को बिल्डअप करें एक साथ में मत करें और दूसरा ये मैंने फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेकर लोअर क्रीज़ को Uh, मतलब डिफाइन किया है उस पर कलर को अप्लाई किया है अब ये स्मज बिग स्मज ब्रश लेकर मैंने इस दोनों शेड को टुगेदर मतलब एक साथ स्मज आउट कर दिया और फिर ये मैंने एक मतलब बहुत छोटा सा ब्रश लिया था जिसकी टिप बहुत छोटी सी थी एक्चुअली मेरे पास ये जेल लाइनर था तो ये उसकी उसका ब्रश था तो मैंने इससे लोअर जो है आईलेट्स को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक कलर तो बस ये आउटर कॉन आउटर वी पे ही मैंने फोकस किया है आउटर वी पे तो जो है क्या कहते एक वी बनाया है और फिर ये फ्लैट ब्रश से मैंने इसको स्मज कर दिया है तो पहले मैंने कलर प्लेस किया है उसके बाद ये खिज़र यहाँ पर बहुत शैतानी कर रहे थे पीछे तो फिर ये मेरे पास ये ग्लिटर्स थे और ये कुछ पता नहीं ये भी मुझे याद नहीं है किस पेज के थे तो मैं इन मेंशन कर दूंगी और ये अमेज़ान पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट और अब मैंने ये थोड़ा सा यू नो डस्टी और थोड़ा सा यू नो चंकी भी है और इसमें एक लाइट शीन भी है तो इसका फॉल आउट बहुत है तो इसको मैंने एक मतलब फ्लैट ब्रश से अपने मिडिल लिट्स पे अप्लाई कर लिया है। और ये बहुत पॉपुलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल पिंकिश टोन का शेड था तो ये मुझे बहुत यू नो अट्रैक्ट किया तो मैंने सोचा कि चलो इसी से ही करते हैं कुछ लुक क्रिएट करते हैं और उसके बाद मैंने अगेन ब्लैक कलर को थोड़ा सा uh, <coughs> फिर से बिल्डअप किया है उसके बाद ये निका के 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 ग्लिटर्स हैं और इससे ये गोल्डन सा कलर लेकर मैंने अपने इनर लेट पे इनर वी पे अप्लाई किया है एक हाफ मैंने वी बनाया हुआ है तो ताकि कि मतलब जो डार्क कलर्स हैं तो वो थोड़ा सा इसके साथ इवन आउट हो जाए थोड़ा सा आई लुक अच्छा लगे और ये मैंने लुक को कंप्लीट किया ग्लिटर सॉरी लाइनर लगा के आफ्टर डैट मेरा जो स्विस ब्यूटी वाला जो प्राइमर था वो शीशी टूट गई थी तो मैंने ये मेरा ये ट्यूब था इसमें मैंने उसको आ, भर लिया था तो ये मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर यहाँ पे जो ग्लो गोल्डन टेंट वाला है उसको अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे दो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एक के फॉर एवो फिफ्टी टू का एंड द अदर वन इज़ फ्राम नेक्स्ट प्रोफेशनल और जो है इसको मैंने अपने ऐसे टिप टिप करके यू नो डॉट uh, डॉट करके पूरा फेस पे अप्लाई किया और ये मतलब ऐसे मैं ये दो फाउंडेशन ही अगर मिक्स मैच करके लगाती हूँ तो ये जितने भी फेस के uh, मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा ये फुल कवरेज हो जाता है जो भी फेस के ब्लामिश और एक्ने मार्क्स और जो भी पिगमेंटेशन uh, जो भी अन स्किन हुई होती है तो ये बहुत ईजली मतलब सब कुछ इवन आउट कर देता है तो मुझे टोटली totally, मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली और ये थोड़ा सा हाई रेंज में जाता है बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छी चीज़ में तो ये डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से सब अच्छे से आ, स्मर्च कर लिया मतलब टैप टैप करके उसके बाद ये अगेन लूज़ पाउडर मैंने लिया है और ये भी मेरा फेवरेट है अभी से नहीं जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था तब से ये मेरा फेवरेट है और यहाँ पर देख रहे हैं आशर किस तरह से खेल रहे हैं पीछे अपने भाई के साथ खजर के साथ तो फिर ये मैंने अपने फ़ेस को वैसे सर्दियों में इतनी नीड नहीं होती है बट क्योंकि मैं थोड़ा बोलती हूँ जब हँसती हूँ तो मुझे थोड़ा सा क्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ फेस को और फिर ये मैं कॉन्टूर कर रही हूँ ये ब्राउनजर शेड लेके फेसेस कैनेडा के आल टाइम प्रो पैलेट से और ये पैलेट भी बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी भी है मतलब अगर आपको थ्री इन वन पैलेट चाहिए uh, जिसमें आपको तीनों शेड मिल जाए कॉन्टूर ब्लश एंड द हाइलाइटर तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस और उसके बाद ये मैंने नोज़ को भी कॉन्टूर कर लिया ये एंगल ब्रश की हेल्प से वैसे मुझे इतनी मेरे फेस को इतनी नीड नहीं होती है बट जब हम क्या करते हैं ना तो देखिए आज मैंने एक ब्लश में न्यू टेक्निक लिए मैंने आज थोड़ा सा अप करते हुए ब्लश को अप्लाई किया है तो हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि जो है इस तरह से अगर हम करते हैं ना तो फिर हमारा फेस अच्छा लगता है उसके बाद मैंने ये मिबलिन का पाउडर से थोड़ा सा अपने यू नो कॉन्टूर को थोड़ा शार्प सा दिखाया उसके बाद ये मैं बेक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी और ये नेकेड एल्यूमिनेटिंग uh, बेक हाइलाइटर्स है ये बहुत ही अच्छा है तो मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जी शेड लिया है और उसको अप्लाई किया है आफ्टर दैट ये मेबलिन का मास्टर क्रोम होलोग्राफिक सॉरी मास्टर होलोग्राफिक जो हाइलाइटर uh, है उसको मैंने लिया है तो थोड़ा सा मुझे आज चंक्स वाला थोड़ा सा कुछ यू नो अप्लाई यूज़ करना था अप्लाई करना था आई वॉन्ट दैट तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा यू you नो know, वही चीज़ें यूज़ की हैं और उसके बाद फिर अगेन निका के के रेडियन ग्लिटर्स इससे मैंने लोअर लैश लाइन को यू नो you know, बिल्ड किया है उसको कंप्लीट किया है लुक को क्योंकि इस, इस तरह से मुझे करना पर्सनली बहुत पसंद है तो उसके बाद ये इनसाइड <clears> कॉस्मेटिक्स <throat> की मेरे पास ये लिप कलर लिप पेंसिल थी और इससे मैंने अपने लिप्स को लाइन किया क्योंकि इस तरह से करने से ना आपका लिप जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो वो बहुत ही नीट आता है फिर ये मैंने इन अगेन इन कलर की लिपस्टिक यूज़ की है आई मीन द शेड फोर टू वन और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंकिश पर्पलिश मोविश काइंड ऑफ शेड था तो ये मुझे बहुत लेवेंड्रिश नो नॉट लेवेंड्रिश बट काइंड ऑफ शेड था तो ये मुझे बहुत पसंद था और ये मेरे लुक के साथ पूरा अच्छे से मैच कर रहा था तो मैंने इसको ही यूज़ किया आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग द मस्कारा फ्रॉम मेबलिन आईलैश आई लैश मस्कारा ये बहुत अच्छा है उसके बाद मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ हमेशा क्योंकि मैं जेल मस्काराज यूज़ नहीं करती हूँ ब्राउन मस्कार तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ फिर अगेन माई टेक्निक जो मैं आई शेडो ले कर अपनी आई को फिल करती हूँ तो मैंने ये कर लिया सो या हर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक और अगर आप लोगों को ये मेरा लुक पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो द वीडियो एंड चैनल तो बस आज का यही लुक है और बहुत मेहनत लगी है तो मैं कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने की और आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए मेरा साथ देते रहिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए अगर अच्छी लगे हेल्पफुल रहे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी क्रिएट करूँ टिल देन टेक केयर अला हाफिज़ बाय बाय